अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो? तो हम पढ़ रहे हैं उर्दू की, फ़र्स्ट की उर्दू की बुक. ठीक है, फ़र्स्ट की उर्दू की बुक. तो आइए एक बार हम सिलेबस पे नज़र मारते हैं. एक बार देखिए, हमारा सिलेबस है, हमारा 1 to 8 सिलेबस, हमारा 1 to 8 है. ठीक है, क्या है हमारा, कौन से लेसन तक है हमारा? 1 to 8. ठीक है, हमने यहाँ तक कंप्लीट ऑलरेडी कर लिया है और एक बार रिविज़न भी हमारा हो गया है. तो आइए फिर से एक बार, जो आपको क्वेश्चन आंसर जो पेपर किस टाइप का आएगा उसी हिसाब से हम एक बार पढ़ेंगे आपके लिए. ठीक है, ये लेसन नंबर 1 से 8 तक फर्स्ट की उर्दू. आप देखो, ये है लेसन नंबर हमारा फर्स्ट. ठीक है, तो ये हमारा हितेशों के बारे में है. इसमें हमने क्या करना है, यहाँ से ये वाला पोर्शन जो आप लोगों को एग्ज़ाम में आएगा. ठीक है, चीम हितेशम अलिफ ते अलिफ्ता छाता, दाल हितेशम अलिफ गा धागा, बेहद जशुम अलीब जिम हेद जशुम अलीब तेलता छाता. ठीक है, दागा दाल हेद जशुम अलीब गप अलीब गा दागा. ठीक है, दागा. इसके बाद है बेहद बेहद जशुम अलीब गप अलीब गा बागा, बेहद जशुम अलीब गप अलीब गा बागा. ठीक है, ये वाला हमने, ये हमारा पहले लेसन को, ये जीम है तो चशम वाला मिला जूला, जीम है तो चशम और वाव लाम अलिब ला जूला. ठीक है, वाव के साथ लाम नहीं मिलता, इसलिए वा लाम अलिब ला अलग हो गया. डोल डाल है तो चशम, वा डाल है तो चशम, चशम अलग है, डाल है तो चशम, वाव लाम डोल. ठीक है, जीम और है तो चशम साथ में है, जीम है तो चशम वाव लाम अलिफ जूला, बेहद जशुम लाम वाव, बेहद जशुम अलिफ है ना, अलिफ लाम वाव बालू. ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, बालू मछली, मीम चीम हेद जशुम, ये हो गई चीम हेद जशुम. ठीक है, लाम ये मछली. ठीक है, ये हो गया हमारा. इसके बाद हमने यू टिक लगाए हुए, छाता छाता मछली, मछली कौन सा वाला, ये वाला छाता सही है, ये वाली मछली सही है, ये वाला बालू सही है, इसमें से डोल ये वाला. स्पेलिंग लिखिए आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, है तो आवाज़ सेम ही निकलती है मगर एक्चुअल ये ऐसे मछली मछली छ है चशम और है की आवाज़. ठीक है, छाता छाता, बालू बालू, डोल डोल. ठीक है, और ये वाला इसको मैच करना है. ठीक है, और इसके बाद हमारा दूसरा लेसन तशदीद. तशदीद के बारे में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, अल्लाह रसी ये सब हमने पढ़ा है. इसके बाद जो आपको एग्ज़ाम का वाला पोर्शन ये वाला है, बे लाम लाम ये बिल्ली, बे चीम चीम है बच्चा. ठीक है, पे ते है पत्ता, कीब वाव वाव अलिफ कौवा. इसके बाद ये वाला है, अल्फाज के सही इमले पर टिक का निशान लगाइए, बच्चा बच्चा जो हमने जो किया पहले. इसके बाद इनको तशदीद लगाना है, यहाँ पे हमने तस्दी लगन, डंडा कुत्ता, ड पे डे पे ते दा लाम वाव सीन और चीम पे तस्दी लग रहा था, इनको हमने तस्दी लगाई, ये देखो. ठीक है, वेरी गुड. इसके बाद हमारा तीसरा लेसन क्या है, हमारा तीसरा लेसन है गिनती. गिनती ये आप लोगों को सबसे ज़रूरी है, आप लोगों को गिनती आनी चाहिए. ठीक है, आप लोगों को गिनती हिंसों में भी और अल्फाज में भी गिनती आने चाहिए. जैसे कि गिनती को अल्फाज में लिखिए या नंबर को, गिनती को नंबरों में लिखिए, जैसे हिंस हिंसे बोलते हिंस, ये वाला ऐसे लिखने होते हैं. ठीक है, ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, कम से कम 40-50 तक, नहीं तो कम से कम 20 तक तो आपको आने चाहिए, क्योंकि 50 तक 60 तक भी आपको यहाँ पे बीच बीच में वर्ड आ रहे हैं, आपको ये वाला करना है. ठीक है, जैसे 1-2 पढ़ना है आपको अच्छे से, ये वाला जो सारा पोर्शन हमारा, इनको नंबरों में लिखना, हिंसों में लिखना. ठीक है, इसे 15, 18, 19, 20, 39, 40 इनको इनसो में लिखना है. ठीक है, ये वाला हमारा हो गया. इसके बाद ये हम, इस घर में कितनी खिड़कियां हैं, 25 खिड़कियां हैं. हम बाज़ार से 39 गुब्बारे लाए, 39 39 39. उन्होंने 52 कबूतर पकड़े, 52 52
टू जिसको बोलते हैं, आज 18 तारीख है, आज 18 तारीख, 1 और 8 हो गए ना, 1 और 8 18, ठीक है। और हमने आज तक ये कितने लेसन पढ़े, आज हमने 3 लेसन का रिवीजन, अब दूसरी बार हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना, अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे फ़ोन कर सकते हो, ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हो। अपना ख्याल रखिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।